इंद्र सिंह ने जब ये बात कही, जब ये खबर लगी उसके बाद में उन्होंने ट्वीट करके कुछ सफाई दी। उन्होंने कहा कि सेल और लीडर में फर्क होता है, अनपढ़ लोगों की जमात को ये पता ही नहीं। ये क्या शैल कंसीडर, क्या अंग्रेजी, वो अंग्रेजी के मास्टर बने हुए हैं। देखिए, शैल कंसीडर कुछ नहीं होता है, वी ऑल नो दैट ही इज एंटी इंडियन। ये शैल कंसीडर, ये अंग्रेजी का क्लास ना खोले, बिल्कुल स्पष्टता के साथ बताएं उन्होंने ये क्यों कहा कि आर्टिकल 370 को वो बहाल करेंगे। उन्होंने एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को, जब उस जर्नलिस्ट ने कहा कि मोदी के हटने के बाद उनको वहीं रोकना चाहिए था कि आप कौन है, मोदी के हटने के बाद हम क्या करेंगे, ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम डेमोक्रेटिक तरीके से काम करते हैं। तो ये शाल और कंसिडर इस प्रकार की अगर अंग्रेजी का विषय है तो वो शशि थरूर जी को बताएं, हमें ना बताएं। और कोई क्वेश्चन? अरविंद केजरीवाल कोरोना मैनेजमेंट को लेकर अभी उन्होंने बयान दिया, कहा है कि काफी दिक्कत थी उस वक्त और अभी तैयारी पूरी कर रहा है हर व्यक्ति। देखिए, अभी अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने प्रेस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि वो दिन रात युद्ध स्तर पे थर्ड वेव की तैयारी कर रहे हैं, टैंकर इत्यादि ला रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट भी बना रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। मगर हम तो इसमें राजनीति नहीं करना चाहते हैं और ना ही इस विषय को लेकर हम लोग रोज टीवी पे आते हैं, मगर चूंकि आपने सवाल पूछा है, अरविंद जी अगर यही तैयारी सेकेंड वेव से पहले कर लेते तो कितना बढ़िया होता, सेकेंड वेव ही नहीं होता। सेकेंड वेव से पहले वो केवल एडवर्टाइजमेंट करते थे और हर दिन टीवी ऑन करिए तो सुबह दोपहर शाम हमेशा टीवी पे दिखते थे, हजार करोड़ रुपए उन्होंने टीवी के एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया। हम तो बहुत सम्मान के साथ, क्योंकि हम राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं, टकराव में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, हम तो चाहते हैं कि यही हजार करोड़ रुपए अगर उन्होंने खर्च किया होता तो ऑक्सीजन डिलीवरी भी होती घर घर पे और फल फ्रूट भी घर घर पहुंच जाते लोगों के, सब लोग स्वस्थ होते। आज वो एक एडवर्टाइजमेंट चल रहा है कि बहुत सारे ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल जी मास्क पहन के उन ऑक्सीजन सिलेंडर के बीच में चल रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं। मगर सेकेंड वेव के समय तो आप बोल रहे थे कि हमें तो केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है, आज आप बोल रहे हैं हम ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हम प्रोक्योर कर रहे हैं। आज तो मोदी जी नहीं रोक रहे हैं, मोदी जी ने फरवरी के महीने में ही दिल्ली सरकार को कोरोना के सेकेंड वेव के लिए चेता दिया था, पूरी तरह से चेता दिया था, लिखित में चेताया था। मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, कि अरविंद केजरीवाल जी एडवर्टाइजमेंट करने में व्यस्त रहे, वो सेकेंड वेव की तैयारी वो कर नहीं पाए। अब कहीं ना कहीं उनके मन में एक ग्लानी है तो ये थर्ड वेव आएगा उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी अब वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। थर्ड वेव ना आए, हम सभी तैयार रहें, ये हम चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। देखिए, जलपाईगुड़ी के हमारे सम्मानित एमपी राय साहब के ऊपर जिस प्रकार का हमला हुआ है और जिस प्रकार की विभत्स दृश्य हम टेलीविजन और सोशल मीडिया के माध्यम से उनके देख पा रहे हैं, हमारे नेता उनके संपर्क में हैं, वो और उनके परिवार सुरक्षित रहें, उसके कारण से पार्टी चिंतित भी है और पार्टी उसमें लगी हुई है। मगर दुख का विषय है, जो ममता बनर्जी ममत्व के विषय में कहती है, मां माटी मानुष के विषय में बात करती है, आज जो अमानवीय चरित्र टीएमसी का हम ग्राउंड में देख पा रहे हैं, जमीन पर देख पा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, राजनीतिक वायलेंस हो रहा है, वो आज संपूर्ण हिंदुस्तान देख रहा है। बंगाल की जनता और हिंदुस्तान की जनता इसे क्षमा नहीं करेगी। हिंदुस्तान में किसी प्रकार के राजनीतिक हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। धन्यवाद। उनके मन से कल कहा गया कोई बात का नहीं रहेगा। हाँ, उनके मन से भी, बिल्कुल सही कह रहे हैं संजय जी। कल जब हम सब ने ममता बनर्जी जी को टीवी पे देखा, उन्होंने खुद ही कहा था कि आगे ऐसा समय आएगा कि कोई भाजपा रहेगा नहीं बंगाल में, तो वो तो चुनाव से पहले भी धमकी दे रही थी कि जिस दिन मेरा समय आएगा मैं तो छोड़ने वाली हूं नहीं, और आज फिर से कह रही हैं कि भाजपा रहेगा नहीं, मैं रहने दूंगी नहीं। बस हाथ जोड़ के इतना निवेदन है कि यह देश शांतिप्रिय देश है, इसमें लोगों की हत्या करना, आप सोचिए अगर सांसद के ऊपर इस प्रकार का हमला हो रहा है तो आम कार्यकर्ताओं के ऊपर जिस प्रकार की हमलाएं हो रही होंगी वो आप सोच सकते हैं। एक गवर्नर तक को छोड़ा नहीं जा रहा है, सांसद को छोड़ा नहीं जा रहा है, तो लोगों के ऊपर क्या हो रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हिमांशु जी, उन्होंने ये भी कहा था कि इससे घोटाला हो सकता है, बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है।
सरकार ने उसको लागू नहीं किया है, वन नेशन वन राशन कार्ड, क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार जिस प्रकार की ड्रामा कर रही है वो हम सब जानते हैं। घर घर राशन पहुंचे, हर गरीब तक राशन पहुंचे, इसकी चिंता आज मैं धन्यवाद देते हुए कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने फर्स्ट वेव से ही किया और 80 करोड़ हिंदुस्तान की जनता को घर घर राशन पहुंच रहा है, उनको राशन मिल रहा है। अनाज के संबंध में लगभग 72 लाख ऐसे लोग हैं जिनको कि केंद्र की सरकार अपने राशन योजना के माध्यम से, पीडीएस के माध्यम से, फूड सिक्योरिटी के माध्यम से और गरीब कल्याण योजना के माध्यम से आज राशन दे रही है। देखिए, आपको समझना होगा, बिना राजनीति किए मैं आपको बता देता हूं, अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि मोदी जी जो दे रहे हैं राशन का किट, उसके ऊपर सिर्फ वो अपना गिफ्ट रैप अपने फोटो के साथ चढ़ा दे और बोले कि देखो मैं पहुंचा रहा हूं। ऐसे नहीं होता। अगर वाकई उनके दिल में दर्द है तो बिल्कुल सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा है कि आप राशन प्रोक्योर करिए, नोटिफाइड रेट में आप राशन प्रोक्योर करिए और अपने तरीके से बांटिए। और दो चीजें और कही है कि वन नेशन वन राशन कार्ड आप कैसे बांटेंगे? आज जो 12 लाख माइग्रेंट लेबरर्स दिल्ली में हैं, अगर वन नेशन वन राशन कार्ड नहीं बनता है तो वो जब अपने पते को बदलता है, अपने एड्रेस को बदलता है, तो उसे राशन कैसे मिलेगा? ये सहूलियत उसे क्यों नहीं दी जा रही? आज भारतवर्ष में केवल 4 राज्य ऐसे हैं जो इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। और कल आपने देखा होगा वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से फटकार लगाया है और कहा है तुरंत आप वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करिए। तो आप वन नेशन वन राशन कार्ड लागू नहीं करते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑन सेल मशीन PEPOS मशीन आपने चालू नहीं किया हुआ है, आप किसको डिलीवर करना चाहते हैं, किसको जाके राशन देना चाहते हैं? आप कहीं ना कहीं अपने लोगों को, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में आप सिस्टम में डालना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये जो आपके कार्यकर्ता हैं वो बेनिफिटेड हो जाएं, उनको फायदा हो और उनको कुछ पैसा कमाने का मौका मिले। आप कहीं ना कहीं एक बिचौलिया पैदा कर रहे हैं और ये बिचौलिया सिस्टम कभी भी ठीक नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।